तीन से चार घंटे लगेंगे, अंदर चल के बैठते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। चलो भाई फाइनली अपनी सर्विस हो चुकी है बाइक की, फर्स्ट सब जगह पानी भर गया इतना ज्यादा, 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए अपने बाइक के। तो भाई आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी 2:30 बज गए हैं और डिस्प्ले कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है मेरी। चलो अब ठीक है, सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट ली हुई थी और 2:30 बजे निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी, इस वजह से लेट हो गया यार, पर यह है कि फाइनली वीडियो अपलोड कर दी आराम से और अब निकल रहे हैं, फटाफट पहुँचते हैं हाईवे पे। तो अभी फाइनली आ चुके हैं हाईवे पे। भाई साहब थार के अलॉय देख रहे हो, आजकल तो थार ही थार छा रही है सब जगह, सेक्सी अलॉय लग रहे हैं। करते अपनी वीडियो की शुरुआत। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। और अभी हम अपनी बाइक को लेके जा रहे हैं ओखला BMW मोटोराइड, क्योंकि बाइक की सर्विस होने का टाइम आ चुका है। 996 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक और 1000 किलोमीटर तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाएंगे भाई। और क्योंकि आज सैटरडे है तो वीक ऑफ भी है, इसीलिए पूरा हाईवे खाली पड़ा है, बढ़िया मजा आ रहा है इसको चलाने में। देख रहे हो 90 तक तो मैं अभी भी चला ही रहा हूँ, सर्विस हुई नहीं है पहली तब भी। भाई कितने दिन तक बंदा कंट्रोल करेगा इतनी तगड़ी बाइक लेकर के। भाई ये किया का शोरूम बड़ा मस्त लगता है यहाँ से देखने में, है ना। और भाई बंदे मेरे से अभी भी कुछ कुछ हैं इंस्टाग्राम पे जो पूछते हैं कि भाई आपकी जब से बाइक आई है आप बाइक की वीडियो डाल रहे हो सारी, रोला जमाना है लोंडो में रोला। तो मैंने कहा भाई क्या करें, इसकी पूरी टेस्टिंग जो करनी है हमको, मतलब हम इसको पूरा अच्छी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं और अभी तो राइड पे लेके गई नहीं है, अभी राइड के प्लान बन रहे हैं तगड़े तगड़े, तो इसको जब लॉन्ग राइड पे लेके जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कल संडे है और कल से पहले ये सर्विस होनी जरूरी थी भाई। कल एक बहुत बढ़िया चीज करने जा रहे हैं हम, कल बहुत मजा आने वाला है, तो इस वजह से स्टे ट्यून्ड, आपको पता चलेगा जल्दी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और देखते रहना आगे जो वीडियोस आने वाली है, क्योंकि संडे वाले दिन हम बड़ी मस्त चीज करने जा रहे हैं इसके साथ और आगे आपको पता चलेगा जब वो वीडियो अपलोड होगी। इसलिए मेरे को ये सर्विस आज करानी बहुत जरूरी थी, मैं कहा चलो सही है। और ये हो गए भाई, ओडोमीटर पे अभी देखा हमने, ओडो में अभी देखा हमने 1003.6, तालियां हो जाए भाई तालियां। इतने दिन से हम जिस चीज के लिए लगे थे वो फाइनली हो गए हैं, 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए अपने बाइक के। भाई साहब मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, बारिश होने लगी, हद है भाई। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज धूप निकल रही थी, ऐसा गर्म मौसम हो रहा था और अचानक से बारिश होने लगी और ढंग से हो भी नहीं रही है, ऐसे ड्रिजलिंग टाइप हो रही है। अच्छा ही है ना ढंग से ना हो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। और अब इसको शिफ्ट करते हैं हम रेन मोड में, अर्बन से हाँ अब ये रेन मोड में आ गई है, अब रेन मोड में चलाते हुए चलते हैं जरा सर्विस सेंटर। भाई साहब धीरे धीरे तेज होने लगी है, तो बस मैं सर्विस सेंटर पहुंच जाऊं कैसे भी, बहुत पास है यहाँ से, बहुत तेज होने लगी। अब भाई पहले इतनी तेज नहीं हो रही थी, अचानक से इतनी तेज होने लगी कि पूरा भीग गया मैं। अब मैं सोच रहा हूँ साइड में कहीं रुकूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, सर्विस सेंटर बिल्कुल सामने ही है, बस पहुंचने वाले हैं तो सीधे वहीं जाकर रुक जाएंगे, अपनी बाइक भी दे देंगे, काम भी होता रहेगा, भीग तो गए है ना थोड़ा बहुत। भाई साहब लद्दाख से भी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग हो रही है यहाँ। तो फाइनली पहुंच गए BMW शोरूम, सर्विस है सर्विस। भाई साहब देख रहे हो भीग गया यार गंदा वाला, चलते हैं अंदर शोरूम में जाके बात करनी पड़ेगी मैम से, फिर वो भेजेंगी सर्विस सेंटर वाला बंदा, वो करेगा चेक बाइक। तो वही अपने बता दिया हमारी बाइक में ऐसी कुछ कमी तो है नहीं, सर्विस के लिए दे दिया। अब तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, अंदर चल के बैठते हैं देखते हैं क्या करेंगे, फिलहाल इसकी सर्विस हो जाए अच्छे से यही बहुत है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर सर्विस हो रही है, लेकिन मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने BMW की टी शर्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं, सब पे लोगो बना हुआ है BMW का, एक ये रहा यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब शर्ट अगर कोई लेगा तो है क्या मज़ा आ रहा है इसमें, कुछ भी नहीं देखने में ही नहीं लग रही कि BMW है। लेकिन ये जो टी शर्ट्स है ना, खासकर ये वाइट वाली, जैसे GS 310 की अलग से है और काफ़ी सारी हैं अलग अलग, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी क्योंकि इस पर किसी बाइक का स्पेशली नहीं बना हुआ फ़ोटो, और ये भी काफ़ी सही है।
और यहाँ पर राइडिंग गियर्स हैं काफ़ी सारे, कैब बड़ी मस्त लग रही है, और ये डेनिम है BMW की, और शूज़ भी काफ़ी सही लगे थे मेरे को, और यहाँ पर गियर्स हैं प्रॉपर, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ओह ओह नियर ऑल द बाइक्स पार्क्ड, और वहाँ पर सारी ये देख सकते हो आप, और ये वाइट वाली मेरे को काफ़ी पसंद आई थी, मैंने पूछा भी था इनसे, मोटर स्पोर्ट बढ़िया लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी देखते हैं इनसे पूछते हैं, अगर रेट सही लगा तो हो सकता है हम ये वाली टी शर्ट ले लें, बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर कैप्स हैं, राइडिंग जैकेट है, शूज़ देख रहे हो क्या खतरनाक लग रहे हैं, ये फुल एंकल है, मतलब हाई एंकल कहते हैं, मतलब क्या ही बोलेंगे इनको, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, यहाँ राइडिंग पैंट एंड ग्लव्स, ओहो प्योर ब्लैक पर क्वालिटी, और यहाँ कॉलर भी हैं कुछ शर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं, एंड हियर इज़ वन शर्ट वाइट BMW मोटर स्पोर्ट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और बस अभी वेट ही कर रहे हैं सर्विस होने का, देखते हैं कितनी देर लगेगी, लेकिन अब यहीं वेट किया है मैंने, कहीं और गया भी नहीं, क्योंकि वही है कि कहीं जाता आता उतना टाइम वेस्ट होता, तो इसीलिए यहीं वेट कर लिया, अब बस फटाफट सर्विस हो जाए, फिर अपनी बाइक को लेके निकलते हैं, और स्पोर्ट मोड, ट्रैक मोड सब पे चलाएंगे बढ़िया तरीके से। तो ये अपनी बाइक पर नंबर प्लेट भी लग चुकी है, सर्विस हो चुकी है अच्छे से पूरी, और वॉश वॉश सब करा लिया है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब दो चार चीज़ें इन्होंने अनलॉक कर दिया, मतलब पहले भी वो अनलॉकड ही थी, लेकिन अब ये है कि उस वाले मोड्स में हम चला सकते हैं, स्पोर्ट और ट्रैक में पहले नहीं चला सकते थे, और ये जो हमारा टूटा हुआ है इसको घर जाके चेंज कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल बोल्ट मेरे पास रखे हैं घर में, तो इसीलिए यहाँ चेंज हो नहीं पाएंगे, घर जाके मैं इनको निकाल के और फिर जो पहले बोल्ट लगे थे वही लगा दूंगा। और भाई सब वॉशिंग होने के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो गई, ये पूरा पार्ट जो है ये सब गंदा हो रखा था, अब एकदम बढ़िया हो गया। चलो भाई फाइनली अपनी सर्विस हो चुकी है बाइक की फर्स्ट, भाई साहब जो सर्विस में अभी खर्चा आया है, जो जो चीजें चेंज हुई हैं, मैं फटफट घर पहुंचता हूं और वहां जाके निकालता हूं वो पेपर, वो चिट्ठा, जिससे हमारे दिल में बहुत दर्द होता है देख करके, क्योंकि खर्चे वाली चीज़ है ना। पर भाई साहब पहले से परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई सर्विस होने के बाद, और इसकी जो सर्विस कॉस्ट आई है मेरे को अप्रॉक्स पता था कि हाँ इतनी तो आएगी आएगी, और उसी के आसपास ही आई है। फाइनली बॉर्डर पे आ चुके हैं, और अब इसके बाद आएगा हाईवे, और स्पोर्ट मोड में ऐसा कोई डिस्प्ले होता है इसका, भाई बहुत तेज है इस सेगमेंट के हिसाब से, बहुत ज्यादा तेज है सच में, क्या भाग रही है ये, अभी फिफ्थ गियर में, सिक्स गियर अभी डाला नहीं है, थोड़ा रोड खाली हो जाए आगे फिर हम सिक्स गियर डालते हैं, लेकिन अंधेरा होने वाला है, 6:30 बज चुके हैं, पहुंच गई फिफ्थ गियर में, मतलब और भी जा सकती थी, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा थ्रॉटल डाउन करना पड़ा। वन फोर्टी थ्री, अच्छा टॉप स्पीड में यहाँ दिखा दे रहा है, बस अब नहीं भगाऊंगा, एक बार ही चेक करनी थी सिक्स गियर डाल के, वो हमने कर ली है, और अभी आगे मुझे लग रहा है पूरा हाईवे पे ऐसी ये ट्रैफिक जाम ही रहने वाला है, क्योंकि ऑफिस आवर्स है, सबकी गाड़ियाँ जा रही हैं घर की तरफ, तो इसीलिए अब हम भी निकलते हैं घर फटफट, और घर पे जाके आपको बताता हूँ कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आई है। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और यार मज़ा आ गया बाइक चलाने में, मतलब सर्विस होने के बाद तो यार अलग ही खुल जाती है एकदम बाइक, और भगाने में भी मज़ा आ गया, वो तो 142 के बाद मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं कहा नहीं अभी तो सर्विस होके आई है, अभी से इतनी तेज़ भगानी नहीं है, लेकिन ये है कि अब भाई स्पोर्ट्स मोड फुल अच्छे से चलेगा अपनी बाइक का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बाइक में मोटा खर्चा कितना आया, क्योंकि पहली सर्विस थी ये, और बाकी कंपनीज की पहली सर्विस दूसरी तीसरी फ्री होती हैं, लेकिन BMW में ऐसा नहीं है भाई। तो ये रहा वो मोटा खर्चा जो बाइक की सर्विस में हुआ है, और भाई साहब मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ों की सर्विस कराई है ना, शुरू के 3 तो फ्री मिलती हैं, लेकिन BMW में ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, मज़ा भी तो आ रहा है चलाने में। तो सबसे पहले ये है रीसेटिंग या लर्निंग एडेप्टेशन वैल्यूज़, जो 571 लगे हैं, जिसमें
और एडजस्टिंग चेन टेंशन जो 381 की हुई है। BMW रनिंग चेक हुआ है 1715 का, जो मतलब सबसे कॉस्टली यही है अभी इनमें से जो रनिंग चेक हुआ है इसका। फिर क्लीनिंग मोटरसाइकिल के 380 रुपये लगे हैं, ठीक है। तो और ऑयल चेंज हुआ है इंजन में फिल्टर के साथ जो 571 का पड़ा है, तो ये सब मिला के 3620 रुपये लगे। और उसके बाद एक एडवांस अल्टीमेट हुआ है जो 1850 का है, और फिर ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो 274 का है, 274। गैस्केट रिंग जो है वो 107 की पड़ी हमको, तो ये मिला करके हमारा हुआ 2632। तो ऐसा सब कुछ मिला मुलू के लगभग 6,000-6,500 के आसपास का अपना बिल बना था। तो ये इतना खर्चा था मोटा जो देख के भाई साहब हालत ख़राब हो गई। तो इसीलिए 6,500-6,000 के आसपास आपका खर्चा हो सकता है अगर आप फर्स्ट सर्विस कराते हो BMW G310RR की, और अभी तो सेकंड सर्विस में शायद इससे ज़्यादा ही है, 8,500-8,000 के आसपास सुना है मैंने। अब कोई बात नहीं, तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करके बताना आपको जो भी अच्छा लगा हो, या आपके भी होश उड़े हैं कि सर्विस कॉस्ट देख के मेरी तरह, और शेयर करना दोस्तों में दबा करके। और अब हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं अभी शोरूम में था अंदर, तो एक बंदा बैठा हुआ था और वो बाइक की बुकिंग कराने आया था इसी वाली की। तो उस बंदे ने एकदम मेरे को देख के बोला कि आई हैव सीन यू समवेयर। तो मैंने बोला वेयर, तो कहता है आई थिंक ऑन YouTube। आज अपना दिन बन गया भाई ये देख के।